बेटा बिल्कुल खामोश हो जाइए बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 है, आवाज ना आए बराबर। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स। सेंटर और रेडियस निकालना है सर्कल का। बेटा ये जो इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8y प्लस 10 इक्वल टू 0, ये जनरल फॉर्म से बनी रही है। जब ये हमने जनरल फॉर्म लिखी थी हम लिखेंगे क्या, कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो, वी गेट। बेटा इन दोनों इक्वेशंस को आपस में कंपेयर करा रहे हैं, कंपेयर कराने पे क्या होगा भाई, ये गिवन इक्वेशन है, ये फॉर्मूला है जो कि जनरल फॉर्म है, कंपेयर कराते हैं बेटा। अगर हम इसे तो माइनस सिक्स के सामने लिखा हुआ है टू जी, एट के सामने लिखा हुआ है टू एफ, मतलब वाई का कोफिशिएंट एट है, वाई का कोफिशिएंट टू एफ है और टेन कॉन्स्टेंट है, तो इसका मतलब ये है यहाँ पे कि 2g बराबर होगा माइनस सिक्स के, 2f बराबर होगा 8 के, c बराबर होगा 10 के। बेटा 2 डिवाइड हो जाएगा वहां जाके, ये भी 2f है, 2 जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा। ये आ गई दो तीनों की तीनों वैल्यूज। अब हमें यहाँ पे सेंटर चाहिए और रेडियस चाहिए। बेटा जनरल इक्वेशन के लिए याद रखना है कि सेंटर होता है माइनस जी कॉमा माइनस एफ, मतलब जी और एफ की जो वैल्यूज आई है उनकी साइन चेंज हो जाएगी। जी नेगेटिव 3 है तो पॉजिटिव हो जाएगा, एफ पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। रेडियस चाहिए, रेडियस बराबर है अंडर रूट, जनरल इक्वेशन के लिए रेडियस का फॉर्मूला है रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी है। बेटा मैंने अभी पीछे बताया था कि साइन वैसे तो सेंटर ए कॉमा बी होता है, लेकिन माइनस डी कॉमा माइनस एफ जनरल इक्वेशन में इसलिए लिया जाता है कि इक्वेशन क्या हो जाए पॉजिटिव होता है। तो जब जनरल इक्वेशन की बात होगी तो सेंटर माइनस डी कॉमा माइनस एफ होगा, जब भी इक्वेशन को जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो जी और एफ की दो की वैल्यू आएगी तो उनके साइन चेंज करने पे सेंटर मिलेगा। बेटा अगर हम इस फॉर्मूले में हम रख देंगे इसे तो रेडियस आएगा बेटा जी स्क्वायर मतलब माइनस थ्री का स्क्वायर, एफ स्क्वायर मतलब फोर का स्क्वायर, सी की जगह आ जाएगा टेन। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो रेडियस आ जाएगा। तो यह आएगा 9 प्लस 16 माइनस 10, तो रेडियस आ जाएगा अंडर रूट 15 यूनिट्स। आंसर आ गया मतलब सेंटर आ गया 3 कॉमा माइनस 4, रेडियस आ गया रूट 15, ये निकालना था बस। डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 5, क्योंकि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के साथ 5 लिखा हुआ है तो पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड करेंगे। क्या कह रहे हैं बेटा,
ये भी कर सकते हैं, एक ही बात है। कॉमन ले ले, डिवाइड कर ले, मैंने कहा आपकी मर्जी है। तो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस थ्री वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन ये बन जाएगी। तो जब हम कैंसिल कर देंगे इनको, अब बेटा इस इक्वेशन को कंपेयर कराएंगे, कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई इज इक्वल टू जीरो, वी गेट टू जी x का कोफिशियंट है मतलब 4, 2f y का कोफिशियंट है माइनस 3 और c है 2। बेटा g की वैल्यू आएगी 2, ये 2 मल्टीप्लाई और वन डिवाइड होगा, f आएगा माइनस 3 अपॉन 2, c की वैल्यू 2 के बराबर है। सेंटर चाहिए, सेंटर होता है माइनस d कॉमा माइनस f, तो दोनों की साइन चेंज जाएगी, जी नेगेटिव 2 हो जाएगा और एफ पॉजिटिव 3 अपॉन 2 हो जाएगा। फिर रेडियस निकालना है, रेडियस निकलेगा जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी से, तो रेडियस खुद निकाल लें। बेटा ये जो पार्ट वन है इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25 लिखा हुआ है। बेटा माइनस 25 तो कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर एक्स वाली टर्म नहीं लिखी हुई ऊपर, वाई वाली टर्म भी ऊपर नहीं लिखी हुई, तो इस सवाल में 2g जीरो होगा और 2f भी जीरो होगा, क्योंकि ना एक्स वाली टर्म है ना वाई वाली टर्म है, बस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है दोनों में, और कॉन्स्टेंट जो है वो माइनस 25 है सी, तो जी आ गया जीरो, एफ आ गया जीरो, सी जो है माइनस 25 रहेगा। सेंटर हमारे पास वही रहेगा माइनस जी कॉमा माइनस एफ। बेटा जीरो की साइन चेंज करने से जीरो ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। रेडियस निकालेंगे, जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी, इनमें वैल्यूज रख देंगे, जी की जगह जीरो, एफ की जगह जीरो, सी की जगह माइनस 25, आर आएगा जीरो प्लस जीरो प्लस 25। आ जाएगा 25 का रूट 5 यूनिट्स आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द रेडियस ऑफ द फॉलोइंग सर्कल इज 10 यूनिट्स। सर्कल का रेडियस दिया हुआ है 10 यूनिट्स। सबसे पहली बात इसको कंपेयर कराना पड़ेगा। कंपेयर कराने के लिए x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो हम इसको थ्रू आउट 2 से डिवाइड भी करा सकते हैं, या कॉमन लेना चाहे तो कॉमन भी ले सकते हैं। अगर 2 कॉमन ले ले तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 4 टू द 8, 2 टू द 4, 3 के में से 2 कॉमन नहीं आ रहा तो 2 डिवाइड होगा इससे, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, माना कि डिवाइड हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बेटा सर्कल की इक्वेशन दी हुई है, अब हमें इसको कंपेयर कराना पड़ेगा जर्नल फॉर्म से। कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स
प्लस टू एफ आई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। कंपेयर कराएंगे इसको तो कंपेयर कराने पे माइनस का फोर बराबर होगा टू जी के, तो टू जी माइनस फोर होगा, टू एफ बराबर होगा टू के और सी बराबर होगा थ्री के अपॉन टू। जी की वैल्यू आएगी माइनस टू, एफ की वैल्यू आएगी वन। जी एफ और सी आ गया बेटा। जी एफ और सी क्यों निकाला है, क्योंकि सवाल में रेडियस गिवन है, रेडियस की बात हो रही है, तो रेडियस का फॉर्मूला लगाएंगे। रेडियस बराबर है अंडर रूट जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी के। वैल्यूज रखते हैं इसमें, सेंटर चाहिए ही नहीं ना हमें, के निकालना है सवाल में। आर की जगह आ जाएगा टेन, जी की जगह आ जाएगा माइनस टू, एफ की जगह आएगा वन, माइनस सी की जगह आएगा थ्री के अपॉन टू। बेटा ये आ जाएगा टेन इज इक्वल टू अंडर रूट फोर प्लस वन माइनस थ्री के अपॉन टू, तो टेन इज इक्वल टू रूट फाइव माइनस थ्री के अपॉन टू। तो फाइव टू द टेन, थ्री के अपॉन टू स्क्वायर रूट आ गया। इस पे स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स कर देंगे, यहां भी स्क्वायर आ जाएगा, यहां भी स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो हंड्रेड बराबर आएगा टेन माइनस थ्री के अपॉन टू के। टू डिवाइड हो रहा है, वह मल्टीप्लाई होगा, टू हंड्रेड हो जाएगा, टेन माइनस थ्री के, टेन उधर जाएगा माइनस का टेन, वन नाइनटी इज इक्वल टू माइनस थ्री के और के आ जाएगा माइनस वन नाइनटी अपॉन थ्री। माइनस नीचे लेके ऊपर लेके की बात है, ये आंसर आ गया।